बद बख्स खम चु बखील गाफिल बे नजर बेबाक नानक गोयद जन चूरा तेरे चाकरा पाखाक ना खौ जति सती नहीं पढ़या मूर्ख मुगदा जन्म भया परणवत नानक दिन की शरणा जिन तो नाही विसरया सतना धनवाहे गुरु साहिब जियो पत्र पुर जेना पत्र पुर जेण चढ़ियंग नह जड़ियंग पेद संपता नाम बेहोण विखमता नानक बहंत जोन बासरो रैणी पतर पुरजेण चढ़ियंग नह जड़ियंग पेद संपता नाम बिहोण विखमता नानक बहंत जोन बासरो रैणी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग चवर शतर तखत दे मालिक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर वैसाखी दे पुरब नूं और खालसा जी दे सिरजना दिवस नूं आप जी पिछले कई रोज तो प्रेम भावना नाल मना रहे हो। अज दे इस विशेष दीवान अंदर आप जी ने सत्कार योग भाई साहब जी खोणा पासों उस सिख दे जीवन प्रसंग नु सरवण कीता है जेड़ा दूर रह के भी गुरु की हजूरी मानदा है। हकीकत वे धर्म विच जिस बंदे नु हजूरी मानन दी जांच आ जाए ओदी शरीरक तौर ते दूरी कोई अर्थ नहीं रखदी। असल विच सुल्तानपुर दी धरती ते सब तो पहला उपदेश गुरु नानक साहिब जी ने पावे नसीहत भी दिता पर ओ ए उपदेश दी के रब दी हजूरी विच रहन दी जांच आ जाए केवल शरीरक तौर ते नहीं आत्मक तौर ते भी। आपा सरवण कीता है तशद्दद सिख ते हो रहा है ते चलदे उस नूं गुरु जी पै। कई वारी पढ़िया लिखिया मनुख ए प्रश्न कर सकदा है भी ए किवें हो गया कि एक पहाड़ी उत्ते बैठा होया सिख जो गुरमुखा सरवण कराया ओदियां अखां दा दर्द गुरु दे चरणां विच किवें आ गया। मैं सिर्फ एक उदाहरण देख के मेरा ए विशा नहीं
कि एक पंछी है जिन्हों आपा कूंज कहने उस पंछी दे अंदर दे बंतर नू कदी देखो ओ पंछी अपने बच्चे नू छाड़ के सैकड़े सैकड़े माइल्स दूर चला जांदा है पर रब ने ओदे अंदर सिमरन दी एक ऐसी शक्ति पैदा कीती है कि जदों ओ कूंज अपनी चुंज नाल दाना चुन दिए ते नाल ही अपने सैकड़े को पिछे रह गए बच्चे दा चिंतन कर दिए मां दे मुंह विच दाना ते ओदे अंदर बच्चे दा चिंतन केवल एक बच्चे दा चिंतन ही मां दी खुराक बच्चे तक पहुंचा देंदा होर कोई मार दी नहीं। मेरे सतगुरु ने बाणी विच बचन किया कहन लगे ऊड़ा ऊड़ आवै सह कोसा तिस पाछे बचरे शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया। इथे अगे भी मैं अर्ज कीती मन मह सिमरन करिया दा अर्थ ए नहीं के केवल मनुख कहन लगे एक कूंज मन भी सिमरन करे ओदे बच्चे पलदे ने ते जदो सिख दा अंदर अपने गुरु दा चिंतन करदा है सच जानो शरीर दा एक भरम ही दूर हो जांदा है ना ता कोहां दी दूरी ना शरीरक तौर ते दूरी गुरु दे नाल अंदर एक मिक हुंदा है। ए आपने सर्वन कीता प्रसंग आओ थोड़े जे अपने अंदर नूं आपां एकाग्र करन दा यत्न करिए। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचना अनुसार अज आपा वाचने पैखा हजूर दा ओ श्लोक जिदे विच सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी ने एक उदाहरण दिती है कि रुख दियां टाणियां नाल पत्ते ने ते जेड़ा पत्ता एक वरी टाणी तो टुट के धरती ते डिग पवे उस पत्ते दी जो हालत हुंदी है ओ असी अपनियां अखां नाल देखने जदों टाणी नाल जुड़िया ओदे कोल खरियावल ते कोमलता ही है जिस वेले ओ टाणी तो टुट गया जमीन ते डिगया हवा दा तेज बुला आया उस पत्ते नू कदी पानी भी जा सकदा है कदी ओनू कूड़े दे ढेर ते जा सकदा है जिन्नू देख के अंदर नू अखां नू ठंड पैंदी सी पत्ते दी खरियावल देख के रुलन तो बाद ओदे विचो निकलदी कोई बदबू नू देख के मनुख अपने नक नू ढाके दूर चला जांदा है जे पुछया जाए क्यों ते उत्तर मिलेगा अपने मूल नालो टुटण वालियां दी हालत एही हुंदी। सतगुरु ने अज बचन ये कीता है कहन लगे पत्तर सरद रुत विच पत झड़दे समय टुटा पत के हवा विच ओ उड्या ते सच जानी रब एक रुख है नाम टाणी है जीव पत्ते दी तरह ते जेड़ा रब दे नाम टाणी तो टुट गया पत्ता ता केवल एक थां ते डिगा ते सड़ के खत्म हो जाएगा ते जेड़ा रब तो टुट जाए ओदे संस्कार तो बाद भी ओदा छुटकारा नहीं पता नहीं ओदी जीव आत्मा ने किन्ना कु पटकना है। पत्ते दी खेड ता एक खिल खत्म हो सकदी पर अंदर वाले दी नहीं। अज दा विशा एवे के अपने मूल नालो टुट के पत्ते दी जिंदगी नहीं हर चीज गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी आपा पढ़ने। बाबा नानक जी ने चार दुख दुनिया दे बहुत वड्डे मन्ने। मैं अर्ज करनी चाहना पिछले कई दिनों तो गुरमुख कोट भी कर रहे सन के विछोड़े वर्गा दुख कोई नहीं मिलाप वर्गा सुख कोई नहीं। गुरु नानक साहिब ने जदों दुखां दी गिनती कीती ते जेड़े दुख बाबे नानक ने गिने चार उन्हां विचों तीन दा सानू बहुत अंदर नू ज्ञान नहीं एक दुख असी सारे जान नहीं सा। जदों किते दुख दी गल चले ते आम तौर ते असी अपने शरीर दे दुख दी गल करांगे अपने मानसिक रोग दी गल करांगे। मेरे गुरु नानक साहिब दे अमृत बचन पढ़ो सब तो पहला उन्हां दुख मन्या है विछोड़े दा। विछोड़ा असल विच बहुत वड्डा दुख है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचना विचों विछोड़ा केवल रब तो ही नहीं कोई भी चीज अपने मूल तो विचर जाए अपने मूल तो टुट जाए ते सच जानियो ओदा टुट जाना ही ओदे लई दुख रोग बन जांदा है। उदाहरण मैं एक दो अर्ज करनी चाहना ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच रह के कोई भी चीज अपने मूल तो टुटे ओ केवल रोगी बन जांदी है। परिवार दे सारे जी इकट्ठे होण एक जी विचो पियाना कर दे चला जाए सच जानो ओदा चले जाना ओदा विछोड़ा ही सारियां नूं दुख दे जांदा है।
किते कोई सज्जन इकट्ठे होन उन्हां दा विछोड़ा पै जाए ते ओ विछोड़ा भी अंदर नूं दिख दंदा है। साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब दी अमृत बाणी विच गुरु नानक साहिब ने चार दुखां विचों सब तो वड्डा दुख पहला दस्या विछोड़ा। महाराज जी दा बचन है कि दुख विछोड़ा एक दुख भूख पहला दुख है विछोड़े दा, दूजा दुख है बंदे दे अंदर दी तृष्णा दा। समुंदर रज जाएगा, खूह रज जाणगे, धरती रज जाएगी, पर बंदे दा अंदर ऐसा है सब कुछ लै के भी भुखे दा भुखा है एक कदी भी रजदा। सच जानो आपां तां मंजिल ही छोटी दी मिटने ते जेड़े बाबे नानक ने बाणी विच मॉडल पेश कीते ने, मॉडल दा अखरी अर्थ किवें दुनियावी ना समझना, जेड़ियां हजूर ने उदाहरणां दित्तियां ने ऐसे मॉडल पेश कीते ने देख के हैरान हो जाईदा बंदिया, तेरी पहुंच ता अजे तक ओते होई नहीं, जे इत्थों तक भी पहुंच जाए ते तेरे अंदर ने फिर भी नहीं रजना। पहला दुख विछोड़ा, दूजा दुख अंदर दी भुख। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच आपां इक बचन रोज पढ़ने, धन गुरु नानक साहिब दा बचन है, अज मनुख किन्नी कु उम्र जींदा है। परसों चौथ भाई साहब उन्हें एक दिन दसिया कि बंदे दी उम्र जड़ी वो 40 साल है। गुरु ग्रंथ साहिब ने तुक उते एक तुक कही कह लगे 40 पुर होए, 40 तक पूरा है, इतों तक अपनी उम्र तो भोगना। अज टिकरा सी देखने हैं, कोई 100 साल जिएगा, कोई 150 साल जिएगा, कोई बंदा ऐसा नहीं जेड़ा इस धरती ते 500 साल 600 साल एक जोग किन्ने जीना है। पर बाबा जी ने जेड़ा मॉडल पेश किया इहदा मतलब साडे अंदर दे शंके मिटा दिते, कह लगे एक जोग नहीं, रब मेर करे जे तेरी उम्र 40 जोग हो जाए, 40 जुगां विच तेरा इन्ना कु बोलबाला होवे, हर थां ते तेरे नाम दी चर्चा होवे। पर एक गल चेते रखियो, सारी जिंदगी बंदा अपना नाम बनांदा रहे ओदी मौत तो बाद ही ओदा नाम मिट जांदा है। कदी तुसी हिंदुस्तान विच हिंदू वीर जदों किसे जनाजे नूं किसे मुर्दे नूं चुक के जांदे ने जां आपां भी लै के जांदे आ, एक ओ बंदा जिन्ने सारी जिंदगी अपना नाम कमाया अपना नाम बनाया, जदों इहनूं इशनान करके फट्टे ते पांदे ने चिट्टे कपड़े विच लपेट के मोढ़ा दे के, कभी किसे नहीं कहा कि फलाने सरदार जी तुहाडा नाम सत होवे, मोढ़े ते चुकण दी देर पहला शब्द हुंदा राम नाम सत। तेरी सोचिया कि बंदिया तू सारी जिंदगी नाम बनांदा रहो, एक सवास निकलन दी देर सी, तेरा नाम ता घर दिया नहीं झूठा कह दिता, क्योंकि तेरी अर्थी चुक दिया राम नाम सत है, तेरा नाम सत नहीं। देखो गल भावे निकी जी है, बड़े कमाल दा अंदर कदी उठे, कई बारी जदों मैं सोचना मेरे मन च एक दिन आया, किसी दी मौत हुई अर्थी चुकी, मैं नीच नाल तकिया ते बच्चियां ने पहला शब्द कहा सत नाम वाहिगुरु, ते मन ने कहा मना सारी जिंदगी मर गया लोकां दियां जेबां कटदिया, मरन तो बाद सत नाम वाहिगुरु ही सच है, एदियां कटियां हुईयां जेबां ते इहदा नाम सत नहीं, राम नाम सत है, सत नाम वाहिगुरु है, अपना नाम सत नहीं। अज तीकरा जदों भी अरसी उठ दिए उदो सत नाम वाहिगुरु कहा जांदा है, भावे बादशाह मरिया होवे अरती नूं मोढ़ा लांदिया कदी ओहदे नाम नूं सत नहीं कहा जांदा। खैर हजूर ने बचन कीता बाणी विच, जे आदमी दी उम्र 40 जुग हो जाए, 40 जुग उम्र, धरती दा बच्चा बच्चा नाम तो जाणू, जिथे जाए लोग ओहदा कोई भी आपोजिशन कोई भी विरोध करन वाला ना होवे, हाथ जोड़ के खलोते होण, यश होवे महिमा होवे। बाबा नानक जी कहिंदे ने 40 जुग उम्र, सारी धरती दी उपमा, सारी धरती ते अपना नाम कमा जाए, जे तेरे अंदर नाम नहीं वसिया ते रब दे घर विच तेरे नाम दी कीड़े जिन्नी वी कीमत नहीं। हुण इह बचन असीं रोज पढ़ने आ, जे जुग चारे आर जा, असर जदों टेक के आपां किसे पढ़ी ते एक अर्ज मैं करां, कदी सुरत नाल गुरु की बाणी पढ़ीए, अपने अंदर नूं टिका के बोल के पढ़ने आ, कन्नां नाल सुनने आ, अखां नाल देखने आ, कदी सुरत विच टेक के ते एक आसन ते, इस गल नूं इह ना समझियो कर्मकांड, जदों आपां एक आसन ते रोज ध्यान विच बैठांगे
कुछ दिनों तो बाद उस आसन के चार चपेरे साडे तन विचों निकलिया हुई तरंगा बदो बदी सानू खिंच के अपने वाले पासे ले आऊंगी। हसूर ने कहा, कह लगे जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, दसूनी दर ते दस नाल गुणा कर दे, नवा खंडा विच जानिए नाल चला सब कोए, चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जग ले, पर प्यारिया जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के ए मॉडल नहीं एक के इना बंदा शिखर ते पहुंच जाए प्रभता विच, जे नाम नहीं ता उहदी कोई कीमत नहीं। अपने विषय वल तुरिए, सब तो वड्डा दुख है विछोड़ा, दूजा दुख है अंदर दी तृष्णा, भोखी ता हमेशा बुरे कर्मां नूं जन्म देंदी है। जे बंदे दा अंदर संतोखी है ना, सबर दे विच रहण वाला बंदा कदी भी भटकदा नहीं। जदों भी किते कोई कतल करदा, चोरी करदा, केवल ओ करदा जिहड़ा अंदर दी खवश नूं पूरिया करन दे लई तृष्णा लैके बैठा है। कबीर चोरी नहीं करनगे, रविदास चोरी नहीं करनगे, नामदेव चोरी नहीं करेगा। सच जाणियो, आम तौर ते असीं देखने आं वड्डे लोकां दे गुनाह भी गुनाह नहीं रहिंदे, जिन्ने वड्डे गुनाह करदा उन्ना वड्डा ओ नेता बन जांदा है। एक सियाणे अदीब कहिंदे सन, एक बंदे दी कोई जेब कटे, ओ जेब कतरा ते जिहड़ा कुर्सी ते बह के सारी कौम दी जेब कट लै ओ पंथ लीडर। खिमा करियो, एक बंदा किसी दी पत लुटदा बलात्कारी है, जेड़ा लीडर बन के हजारा बीबियां दा सत भंग करे ओ कौम देश दा महान नेता है। क्योंकि वड्डे बंदे दे गुनाह भी ओदे वडप्पण विच लै जांदे ने। गरीब बच्चा, गरीब मापिया दा बच्चा कोई कर्म करे, लोग ओनू कतल करदे ने, वड्डियां दा जुल्म करे ते काकियां दे चोज कह जांदे। मेरे सतगुरु ने बाणी विच कृपा कीती, अंदर दी तृष्णा, अंदर दी भुख भी इक बड़ा वड्डा रोग है। पहला दुख विछोड़े दा, दूजा दुख अंदर दा भुख, तीजा दुख है मौत दा, चौथा दुख है साडे तन दा जिन्नू असीं सब तो पहला दुख माने। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक सुख एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए, वैद ना भोले दारू लाए। हे भोलिया, तेरू ता दुखां दा पता नहीं। हजूर ने कहा, पत्ते विछड़ जान ते हालत मंदी है, केवल पत्ते नहीं। मेरे बाबा जी ने बाणी विच कई उदाहरणां दित्तियां केवल इस मनवे नूं समझाण लई कि विछड़िया होयां दे दुख झले नहीं जांदे। आओ गुरु ग्रंथ साहिब विचों दर्शन करिए। हजूर ने बाणी विच कहा, दुख विछोड़ा, वैसाख दा महीना आउणा है। मेरे गुरु अर्जुन देव जी ने गल ही विछोड़े दी कीती, कहण लगे वैसाख धीरन को वांडिया। पिछली वारी मैं अर्ज कीती सी कि गुरु ग्रंथ साहिब विच वैसाखी शब्द वावे नूं सियारी, फसे नूं कन्ना, खखे नूं बियारी ए नहीं, वावे नूं दुलाइयां लगियां ने। वैसाखी है नानक, वैसाखी प्रभ भावै, वैसाख विसाख नहीं उथे। कहण लगे वैसाख धीरन को वांडियां, वैसाख दे महीने विच उहनां नूं किवें तीर जा जाए, जिन्ना प्रेम विछो, जिन्ना दा अपने प्यारे तो विछोड़ा पै गया। सच जानी, अंदरों विछड़िया होया नूं कदी तीरज नहीं, दुख विछोड़ा। दूसरा प्रमाण, जिन्ना प्रेम विछो। बड़हंस राग विच मेरे दाता जी दा एक बचन है कि विछोहे जंबूर, विछोड़ा ता जंबूरां दी तरह है। जंबूर एक ओ शस्त्र है जिदे नाल जदो जालम जुल्म करदा है ते बोटियां नोच नोच के मांस दियां बाहर करदा है, असी कहने जंबूर। मेरे गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू कहने प्यारिया, विछोड़े दा दुख जंबूरा तो वध दुख देंदा है। विछोहे जंबूर, खबे ना मंजन गाखड़े, सहारे नहीं जांदे, विछोड़ा जेड़ा है ओ सब तो वड्डा दुख है। तीसरा प्रमाण, विछोड़ा सुने दुख बिन जिठे मरियोद, विछोड़ा सुनदिया सार अंदर दुख व्यापदा है, जे प्यारा ना मिले ते अंदर दी मौत है। विछोड़ा सुने दुख बिन जुठे मरियोद, बाज प्यारे अपने दिल ही ना तिरोध, अपने प्यारे तो बिना अंदर नु शांति नहीं, मूल तो टुट के कदी कोई सुखी नहीं। हुण कुछ उदाहरणा ने बाणी विचों, गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह उहनां दे अमृत बचन असीं पढ़ने, शलोक वारां ते वधीक विच किरपालू दातार जी ने एक बहुत सोहनी उदाहरण दित्ती है। ते उदाहरणा पावे ओ बाहर दियां ने, मैं पिछले दिन अर्ज कीती सी, कथा वख्याण दा मतलब विद्वता दा जोर दिखाना नहीं,
कि सिर्फ सुन वाले ने ते सुनान वाले ने सुन के इनू जिंदगी विच अपनान दा यतन करना है। उदाहरण दा मतलब कलाकारी नहीं, मेरे धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने बहुत सोहनी एक उदाहरण दिती है, विछोड़ा किवें दुख नूं जन्म दिंदा है। पानी सरोवर भरिया है, कई थावां ते तुसीं देखदे हो कुछ सरोवरां दा संबंध झीलां दे नाल है, सरोवर पानी दा नकानक भरिया है, ते जदों सूरज दीआं किरणां धरती ते पैंदीआं ने उहदी खिक दे उत्ते फुल्लां दे पत्ते कोल फुल्लां दे पत्ते ने, उन्हां पत्तियां दे उत्ते कोमल फुल जिहड़े ने उह खेड़े विच आए, सूरज दी किरण पई, पीले रंग दे लाल रंग दे चिट्टे रंग दे कौल फुल खिड़े, ते जदों उह सुनहरी रंग दे फुल उस तलाब विच खिड़दे ने ते इंज लगदा जिवें पूरे दा पूरा सरोवर किसे ने सोने दी परत नाल ढक दिता होवे। इक खेड़ा ऐसा है जिहड़ा अंदर नूं सकून दिंदा है। भाई वीर सिंह होणा ने एक कविता लिखी सी जीवन की है, उन्हां ने बड़ी सोहनी एक गल कही, कहिंदे ने एक बंदा रोज सरोवर कोल जाए, पहले दिन गया ते पानी खलोता सी, ओनू जाके पुछदा जीवन की है, सरोवर कहिंदा अजे नहीं, ठहर के आवी फिर तेन दसांगे जीवन की है। दूजे दिन गया ते निक्की जी एक नाली निकली सी कमल दे फुल दी, पुछदा जीवन की है, सरोवर कहिंदा अजे सबर कर मैं तेन दस नहीं सकदा जीवन की है। तीजे दिन गया ते ओदे पत्ते पानी दे उत्ते तरन कमल दे फुल दे, फिर पुछदा जीवन की है, अगो उत्तर मिलिया एक दिन होर ठहर जा। जदो चौथी वारी गया ते पूर्ण तौर ते फुल खिड़िया सी, भवरे उत्ते मंडरांदे पै सन, पुछदा जीवन की, सरोवर कहिंदा बस जे खिड़े फुल नूं देख के भी तेनू समझ नहीं पई ते सच जानी तेरा उत्तर कितों भी नहीं मिलना जीवन की है। जीवन केवल खेड़ा ही है, जीवन अंदर दा आनंद है, जीवन अंदर दी ओ अवस्था है जिथे दुख नहीं सुख नहीं कुछ भी दुनिया दी लेप शेप ना लगदी होवे। मैं जिहड़ी अर्ज कर लगा, कमल दे फुल खिड़े ने, सुनहरी फुलां नाल पूरा सरोवर ढकिया पिया है। हजूर कहिंदे ने चित कीता इस सरोवर दे कोल बैठिए, अपने मूल नालों विछड़ के कदी सुख दे। हजूर कहिंदे ने कमल दे फुलां दी सुगंधी अंदर नूं प्रभावित करे, कुछ दिनां बाद आके देखिया ते उस सरोवर दा निर्मल पानी बिलकुल काला पै चुका सी, उस सरोवर दे फुल मुरझा चुके ने, उत्थे सुगंधी दी थां केवल सराग सी बदबू सी, भवरियां दी थां ते मक्खियां मच्छर सन, ते हजूर ने उत्थे सवाल सरोवर नूं कीता, सच जाणियो ए सरोवर दा उत्तर नहीं गुरु के सिखो, ए उन्हां आत्मावां दा उत्तर ए जिहड़ियां गुरु दे शब्द तों रब दे नाम तों टुट जांदियां। ओह विलक के कह रिहा सरोवर, हजूर ने प्रश्न कीता पब्बर, पब्बर दा अखरी अर्थ हुंदा सरोवर, पद्माकर, पद्माकर दा अखरी अर्थ हुंदा जिहदे विच पद्म दे कमल दे फुल खिड़े, पब्बर तू खरियावला तू चंगा भला सै, तेरे कोल खेड़ा खरियावल सी, कवला कंचन वन कै दोखड़े सड़ियो है, कै दोखड़े सड़ियो है, की दुख वाप गया, की तेनू भाणा वापर गया, तेरे अंदर साड़ा आ गया, तू काला हो गया, कै दोखड़े सड़ियो है, काली होई आ देहुरी, नानक मैं तन भंग, भंग दा अखरी अर्थ करांगे तेरे विच की घाट सी, के प्यारिया तू काला पै गया, तेरा जुस्सा काला हो गया, तेरे फुल मुरझा गए। अगो उस सरोवर दा उत्तर सी जाना, जाना दा अखरी अर्थ है मैं जानना मेनू समझ है, पुछया सरोवर तेनू की समझ, जाना पानी ना लहा जै छेती मेरा संघ, मेनू यह पता है जिस झील विचो मेरे विच पानी आउंदा सी, जिदे करके अपने विच खेड़े सन बाबा, जदों अपने मूल तो टुट जाइए ते ए भाणे वापर दे हुंदे, जाना पानी नाल हां जै छेती मेरा संग, जित दिठा तन पर फड़ा है चढ़ा चवगण वन, जिन्नू देख के अंदर खेड़ा सी अपने मूल नाल टुट गए बाबा, देही भी काली हो गई है। हुण आपां सरोवर दी गल करांगे, किते बाबा जी दे अमृत बचन पढ़ो, झील दा पानी टुट जाए ते सरोवर काला पै जांदा है, मनुख दे अंदरों रब दी बाणी चली जाए ते दा अंदर काला पै जांदा है। हजूर ने बाणी विच इक वचन कहा, तुसी तनासी दी राग दा शब्द पढ़ो के जियो तपत है बारो बार, हजूर कहिंदे ने चाणा पानी ना लहा, मेनू समझ है पानी नहीं मिलदा, जदों मूल नाल टुट गए
बाबा दुख ही दुख है। साहब ने फिर मनुख ते टुकाया, जियो तपता है बारो बार, तब तब खपे बहुत बेकार, जैतन बाणी विसर जाए, दुख विछोड़ा जैतन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए, कह लगे प्यारे बहुता बोलन चखण होए, विण बोले जाने सब सोए, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दिती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, बाजा पवन आके सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सबा कालख दागा दा कालख। कह लगे विछोड़ा कालख नु जन्म देंदा है, विछोड़ा अंदर दी कालख जेड़ा है, चेते रखो ए बार प्रगट कर देंदा है। हजूर ने पहला प्रमाण दिता है, जे सरोवर पानी तो विचरे ते ओ काला हो जांदा है, ते अंदर वाली जीव आत्मा नु कदी पुछिए प्यारियो अपना निज दा काम ते असी कदी कीता ही नहीं, बगाने ही भार ढोई जाने हां, अंदर वाला काम कदी किसे कीता है, पुत्रां दी कथा करने हां, पोतियां दी कथा करने हां, क्षमा करियो मैं भी इहदे विच हां, पर पोतियां तक सोच के जाने हां, तू पिछे रहण वालियां दा सोचना है, कदी ये भी सोचिया कर मैं इन्हां नूं छड्ड के अगे भी किते जाना है, अपना की कीता, निज दा काम की कीता है। ते मैं पिछले वारी दो उदाहरणां दित्तियां सन, रब मेर करे हर बंदा स्वार्थी हो जाए। आप कहोगे लो जी स्वार्थी गल के, स्वार्थ दे अर्थ बड़े डूंगे, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे ने जेड़े समय दी हनेरी ने धुंधले कर दिते, उन्हां दे अर्थ चेंज हो गए। भावे असी नगर कीर्तन कहने हां, हकीकत विच शब्द जलूस ही है, इहदे विच कोई शक नहीं। हजूर जलूस दा अर्थ तुसी कदी देखो, हरिमंदर साहब इत्थे हुण तुहाडे चलदा कीर्तन, जिदन गुरु रामदास जी का पुरब आउणा, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश दिवस आउणा, गुरु हरगोबिंद साहब का पुरब आउणा, गुरु नानक साहब का पुरब आउणा, ते अरदासिया सिख विच ही सूचना दिंदा है अज इतने बजे जलोह सजणगे। जलोह तो शब्द निकलदा है जलूस, के जदो बादशाह सज धज के अपनी पूरी सवारी दे नाल बाहर निकलदा है, ओ गल वखरी के शब्द की दुरवरतों इन्नी कु लोकां ने की, चंगे शब्द नू मलीनता विच लै आंदा। हुण शब्द खै चन चढ़िया, हुण जदों कोई बंदा गुनाह करदा है असी यक लख कहिंदे फलाने बंदे ने चन चाड़ दिता, पर बाबे नानक दी आमद ते तां शब्द पढ़ने मिटिया अंधेरा चन चढ़िया। इहदा मतलब शब्द माड़े नहीं, हुण असी कई वारी कहिंदे फलाना बंदा बक रहा है, बकना शब्द माड़ा नहीं सी, वरतों माड़े पासे कर ली। बाबा जी कहिंदे ने चरण कहूं बकूं, मैं बोला मैं अपनी रसना तो शब्द कहा, खैर मैं अपने विषय वल आवां। साहब ने कहा प्यारिया कि देख तू अपने लिए कीता है। एक भाष कवि है, उन्हें बड़ी सोहना एक कवित कहा है, वह कवित विच उन्हें पिंडां दे नां लए ने, शहरां दे नां लए ने, ते असल विच मेरे गुरु जी ने जो कुछ भी दिता ना, बस इको गल सी भी इहनूं कदी रब ना भुले। प्यारियो कि शहर वसाए दोधे ने तां ही कहा सी कि बाबा नानक तेरे चरणा विचों शांति मिली है, मैं शहर दा नाम रखांगा नानकपुरा। हस के कह लगे नहीं मैं करतार दावा, नाम रखी करतारपुरा, करतारपुर रखिया। मेरे सतगुरु ने जिथे देखिया अमृत दे झरने झरने ने, उत्थे शब्द वरते ए अमृत सर है, सुधा सर कह दिता, अमृत सर कह दिता, अखरी अर्थी को भाई साहब ने कह के गए, जिथे सतलुज दे किनारे बैठ के कीर्ति कीती, कीर्ति तो बाद ही आनंद मिलता है, जिस बंदे नू कीर्त करन दी जाच नहीं वह आनंदपुर दा वासी कदी बन नहीं सकता। कीर्त करन वाले आनंदपुर दे वासी ने कीर्त कीती, बाबे ने ना रखिया कीर्तपुर। साडी मिलनी विच भी गुरु चेते कराया प्यारियो, जदों असीं मिलने हां भावें असीं साडे पढ़े लिखे शब्द ओके जां शब्द जो तुहाडी सभ्याचार इत्थों दा चुगिरदा है, पर मेरे गुरु ने कहा नहीं देख तेरे शब्दां विच मैं गुरु पा देना, जे किसी की मौत हुई हो तू रात नू जाए उहदे घर ते तुरदिया तू गुड नाइट नहीं कहेगा, जिदा जवान पुत्र मुरिया है उन्हू किवें कह दे भी चंगा तेरी रात चंगी बतीत होवे, वाहगुरु जी का खालसा कह ते उस डिगे हुए दे अंदर नू थां मिलेगी। तेरी मिलनी विच भी गुरु चेते कराया। पुराने सज्जन सन, उस भाष कवि ने एक कविता कही, कवित है एक, कहिंदा पूर्व की कमाई सो तो पश्चिम में बैठ खाई, आगरे की खेप कछु तोहे ना चलाई है, दिल्ली के दलालों तेरा सौदा ही बिगाड़ दिया, जगाधरी की लूट पटियाले मांझ पाई है। साडे हिंदुस्तान दे सारे शहर
कहन लगे दिल्ली के दलालों तेरा सौदा ही बिगाड़ दिया, जगादरी की लूट पटियाले मांझ पाई है, संग के जो साथी सो तो सदा ही लाहौर बोले, छोड़ वैरो वाल चित अमृतसर लाई है, नाभे के जो लोग सो तो सदा ही पुकारते हैं, सहारन के रस्ते हर द्वार जी को जाई है। हुण आपां कहांगे भी ये ते पिंडां दे नां ने ना, शहरां दे नगरां दे नां ने, पर सज्जन ने जिसने भी कहा, मैं कहना वह बंदा अंदर का बहुत जानकार होवेगा, जिसने एक बित कहा ते बंदे ते तरस खा के कहिंदा पूर्व की कमाई, एदा अर्थ पूर्वली दिशा नहीं, एदा मतलब है बंदिया जन्म तो पहला किते पूर्वले कर्म सन ते तेरे मनुखा देई मिल गई, सौ तो पश्चिम में बैठ खाई, जेड़े पूर्व चार दाने बीजे सन ओ ता ऐस जन्म विच खा ले, आगरे हुण शहर आगरा है, पर इत्थे आगरे दा अर्थ करांगे इस मरण तो बाद जिथे अगे जाना अगे वास्ते तेरे पले की है, पूर्व की कमाई सो तो पश्चिम में बैठ खाई, आगरे की खेप कछु तोये ना चलाई है, दिल्ली के दलालों हुण दिल्ली शहर पर सच जाण्यो, एदा अर्थ कदी करिए दिल्ली के जेड़े तेरे दिल दे दलाल ने, हुण दलाल केड़े ने, बाबा जी ने बाणी विच कहा, कह लगे लब पाप दो राजा मैता कूड़ हुआ सिकदार, काम नेद सद पुछिए बह बह करे विचार, ए अंदर दे दलाल ने जेड़ा सौदा कोई नहीं सिरे चरण दे, दिल्ली के दलालों तेरा सौदा ही बिगाड़ दिया, जगादरी की लूट, जगादरी अर्थे जग तरी, जिन्ना कुछ लुट के जागत विच इकट्ठा करना है सिर्फ अपने पटियाले पटियाले दर से पेट रूपी आले नू भरना पे, अपनी आत्मा की तृप्ति लिए कुछ कीता है, जो कुछ कमाया पेट विच सची गया ना, जगादरी की लूट पटियाले मांझ पाई है, संघ के जो साथी सो तो सदा ही लाहौर बोले, लाहौर पंजाब का शहर सी हुण पाकिस्तान विच, नाल दे जिहड़े जी ने कदी भी इना कहना बस हुण बाहर ना जाई, सच जानी एक ढेरी ला के आने, कहने अजे कुछ नहीं बनिया, चार किले होर लेने जा एक चक्कर होर ला, इन्हों ने लिहा होर कहने, कदी तृप्त होके नहीं कहना बह जा हुण गुरु गरी जपिए, संघ के जो साथी सो तो सदा ही लाहौर बोले, छोड़ वैरोवाल वैरोवाल कस्बे, छड़ दे अंदर दे वैर ते वाल चित अमृत सर लाई है, कदी अपने अंदर दे चित नू अमृत सरोवर विच नाम भी जोड़, अगे वो कहिंदा नाभे के जो लोग नाभे दर से ना पै, जिन्हा लोकां नू किसे दा कोई डर नहीं, रब दे संत जन सो तो सदा ही पुकारते हैं, जेड़े पै तो रहते ने वो पुकार पुकार के कहने, लोको सहारन के रस्ते हर द्वार जी को जाई है, जिन बंदे नू शब्द सहारन भी जांच आ जाए निम्रता विच आ जाए, वो रब दे द्वारे ते पहुंच जांदा। मैं बेनती जड़ी कर रहा अगे वास्ते की कीता, केवल विछोड़ा पै गया, उस विछोड़े ने अंदर दी कालख नू जन्म दिता, जिवें भाई साहब दस के गए, दाता मेर करे, पता नहीं किस अंदर कदो गुरु कलगी वाले जी रहमत वर्तनी है। पहली गल, बंदा दो तरीकों नाल जींदा, जां खौमे भी जींदा जां हीन भावना भी जींदा, कदी भी तैयारी करके नहीं आउंदा कि ऐतकी वैसाखी सच्ची मुची मैं गुरु का खास रूप हो जाने, इन्नी हीन भावना हुंदी है कि नहीं मैनू रब किथे मिल सकदा है, मेरे ते गुरु ने की कृपा करनी है। त्यारियो एक गल चेते रखिए, प्रोफेसर पूरन सिंह कहिंदे ने, जदों तू गुरु की संगत विच आवे ते अपने अंदर नू टिकाया कर, कह लगे गुरु नानक साहब संगत विच नजर टिकांदे ने, जिहदा अंदर जुड़दा है उहदी सुरत नू सदा नाल अपने नाल ही लै जांदे, उहदी सिरत खिंडदी नहीं, उहदी सुरत बिखरदी नहीं, उहदे अंदर टिका है। मैं एक घटना आप नाल सांझी करनी चाहना, आपां तां सिखां दे घर जम के कहने ना, मैं सिख हां, टोपी पाई तां वी सिख, केसां दे कई तरह दे दाड़े दे किंगरे बनाए तां वी सिख, पिछे जुल्फां छड्डियां कट के तां वी सिख, सिक्खी किसे नूं मां दे पेट विचों नहीं मिलदी प्यारिओ, सिक्खी तां गुरु दे शब्द कमाण वालियां नूं दात मिलदी है। दो शब्द ने, एक हुंदा बिंदी पुत्तर, एक हुंदा नादी पुत्तर। बिंदी का अखरी अर्थ है जेड़ा बिंद विचों मां दे खून विचों पैदा होया, पिता दे बिंद चो उपजया, ते नादी का अर्थ है जेड़ा गुरु दे नाद विचों जेड़ा शब्द विचों निकलिया, नाद का अर्थ शब्द है। जिसने अमृत की दात लई गुरु ने नाद बाणी गाई, उहदे विचों जेड़ा जन्म हुंदा उहनूं असीं खालसा कहिंदे। मैं एक उदाहरण देनी चाहना आप दे समक्ष, एक ओह बंदा
ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਕੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਲੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਕਾਪੁਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਗਏ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿੱਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਬਕਾਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿੰਦੋ। ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਐਸੇ ਹੀਰੇ ਲੁਕੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਕਮਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਫਲੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਕੱਟੜਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਖੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਲੇਗੀ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋੜਨੇ ਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਚੁਕਾਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਟੋਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਲੈਣਿਆ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਕਰਕੇ ਕੰਠ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਚਕ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਕੇਵਲ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਚੁਗਿਰਦਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਤ ਸਮਝੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ, ਤਹਿਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਪ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੇਸ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਬਾਣੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਰਨੀ, ਲੁਕ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਦੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕੋ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲਾਈਏ, ਪਹਿਲੀ 7 ਵਜੀਏ ਝੱਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ 5 ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲੇ ਬਾਊ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਸੌੜ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹ ਪੰਥ ਸ਼ੋਸ਼ੇਕੇ ਦਿਸਣ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 4 ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, 1 ਉਹਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
भाई लखमीर सिंह संत लखमीर सिंह प्यारे परत के उन्हें पिंड छड़ दिता। सारी जिंदगी हरिमंदर विच रहे ने, कहिंदे परिक्रमा विच झाड़ू लांदे सन, कितने कितने पार जबानी सुखमनी साहब दे करदे सन, वड्डे वड्डे सरदार उन्हां दे कोल आके बैठदे सन। ते खिमा करियो भाई साहब भाई वीर सिंह वर्गे संत लिखारी ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੁਕਣਦੀਪ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਗ ਨਾ ਚੜਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਗ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਭਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਚਿੰਤ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ ਬਣਾਈ, ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ 1920 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਛੂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੂ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਓ। ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੌਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਨੀ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ? ਕੋਈ ਰਮਦਾਸੀਆ, ਕੋਈ ਨਾਈ, ਕੋਈ ਝੂਰ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਦੇਗ ਦਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖਲੋ ਕੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨੀ ਆਇਆ, ਤੁਮਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮਕਤ ਸੂਦ ਹਮਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮਕਤ ਦੂਧ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉਂ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਕ ਪੜੀ ਜਾਤ ਕੁਲੀਨ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਕਹੋ ਨਾ ਕੋਏ, ਵਿੱਚ ਸਨਾਤੀ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਣੀਆਂ ਪਹਿਰੈ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜੇ ਕੇਸਰ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗ ਮੈਂ ਹਰਨਾ ਸਰਬ ਸ਼ਰੀਰੀ ਚਰਨਾ, ਚੰਦਨ ਭਗਤਾ ਜੋਤ ਅਨੇਹੀ ਸਰਬ ਹੈ ਪਰਮਲ ਕਰਨਾ, ਖੇਪਟ ਪਾਂਡਾ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ, ਐਸਾ ਭਗਤ ਵਰਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਵੈ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਦਰ ਭੀਖਿਆ ਪਾਏ। ਉਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਏਵੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਲਿਖੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੂਤ ਹਾਂ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤ ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਧੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਦੀ ਨਾਮ ਰੁਕਣਦੀਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੂੜਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਂਗ ਵੀ ਖੜਕਾਈ ਗਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੜੀ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਾੜਾ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਪ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਉੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਪੈਣ,
ਕਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦੋ ਤੁਕੀ ਨਿਗੁਣਿਆ ਨੂੰ ਆਤੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤਮ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ ਹਰ ਜੀਓ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਲਾਏ ਗੁਣ ਹੀਣ ਖਮ ਅਪਰਾਧੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ ਰਲਾਏ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਗੁਣ ਹੀਣ ਖਮ ਅਪਰਾਧੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ ਰਲਾਏ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਸ ਘੜੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਆਵਾਂ ਕਿ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰੋਵਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਜੁੱਸਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੋਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਖ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਨਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਾਣ ਉਹ ਚਿੰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਗੋਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਫਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗੋਦੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿੰਤਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਿਲੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੱਪੜ ਪਕੜਾਏ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਥੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੱਪੜ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਹਦੀ ਖੌਮੇ ਮਰ ਜਾ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਣ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾਂਦਾ ਵਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਖੌਮੇ ਮਰ ਜਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾ ਮਲਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾ ਮਲਨੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਦਿਨ ਇਸ ਚਮੜੀ ਨੇ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਡੂੰਘੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜਿਆਲ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਨਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿਓ ਰੋਂਦਾ ਨਿਆਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਕਰੋ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਏ ਬਲਦੀ ਲਾਈਟ ਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਬਲਦੀ ਜੋਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਆਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਮਚਾ ਕੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਕਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਆਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਦ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਤ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਤੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਾਜੈ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੰਦਰ ਸੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਸੰਖ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸੰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਖ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਖ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵ ਆਲਿਆ
मंदिर को मूर्तियां को रखे हैं, तेन कपड़े विच लपेट के रखिया, की कारण के उच्ची सारी जदों दिन निकलदा तू ढाहा मार के रोने, तेरे रोण का कारण की है? उस संख का उत्तर सी, असल विच जदों मेरी आवाज निकलदी है मैं उच्ची सारी रो के समुंदर तक अपनी आवाज पहुंचानी चाहना कि मेरे वर्गे संखो जे समुंदर दिया लहरां ठोकरां मारन ते कदी भी समुंदर नूं छड्डियो ना, जेड़ा सुख समुंदर विच रह के वे ओ मंदर विच नहीं, क्योंकि मंदर विच रहना रोड़ नूं जन्म दिंदा है ते लहरां समुंदर दिया साडे अंदर नूं सुख दिंदियां। संख विछड़ जाए ओ ढाहा मारदा है। हजूर ने बाणी विच प्रमाण दिता, कबीर रह नायर बिशोरिया रहो रे संख मजूर, देवल देवल ताड़ी देश है अग उगवत सूर, हर रोज तो सूरज निकलेगा तेन ढाहा मारनी पेगी। हजूर ने तीसरा प्रमाण दिता है, विछोड़ा दुख नू जन्म दिंदा है। कृपालू दाता जी दे बचन ने जेठ दे महीने विच अक दे गले नाल जुड़े कोई ओदे फल अक दे सोहने लगदे ने, पर जदो सौण दा मीह पैंदा है अक दे पेड़े ओदे फल अक दिया टाणियां छड़ जांदे ने, निके निके रूं दे ओदे विचो तूंबे निकलदे ने, हजारा टुकड़े हो के ओ रूं आसमान विच हवा भी दौड़दा है। हजूर पुछदे ने चंगा भला एक रुख ना लगा अक दा फल, इना सोहना लगदा सी अज इन्ने टुकड़े च होए, ते अक दे फल दा उत्तर सी बाबा जी जे टाणी नाल जुड़े रहिए ते अपनी सुंदरता कायम रहिंदी है, जिस दिन दा अक दी टाणी नूं छड्ड दित्ता एक थां रहण वाले एक फल दा रूप रहण वाले अज हजारा निके निके तुंबे हो गए। प्यारियो केवल अक दा फल नहीं, अपना अंदर जे एक गुरु दे शब्द विच एक सिद्धांत नाल जुड़िया है ते वाकई सोहने लगांगे, जदों अंदर एक तो टुट गया ते इस मन दे पता नहीं किन्ने कु टुकड़े हो जाने। हजूर ने बाणी विच कह खखड़िया सुहावियां लगड़ियां अक कंठ बिरह विछोड़ा धनी सो नानक सह सह गंठ, हजारा टुकड़े हो गए जेड़े अपने मूल तो टुट गए। अज मेरे गुरु अर्जुन साहब ने ए श्लोक कह कहन लगे पत्तर पुरजेण, एदे अर्थ आम सियाणिया ने कीते ने, पुर दा अर्थ है पुर जाना, जदों पत्तर रुख दी टाणी तो टुटदा है ते सुक जाए ओनू हथ विच पकड़िए ते पकड़िया सार ओह पुर जांदा है बरीक हो जांदा है। हजूर कहिंदे ने पत्तर पुरजेण, जेण दा अर्थ करदे ने जेड़े, कहिंदे ने कि ओह पत्ते जेड़े टाणियां नालों टुट जांदे ने, सुक के ओह झड़ जाए झड़ के पुर जांदे ने, पर महापुरुष संप्रदाय महापुरुष अर्थ करदे ने पत्तर पुरजेण कथा पाठ करके। पुरजेण दा अर्थ है ओह रुत पत्त झड़दी, जदों पत्ते टुट के टाणियां तो जमीन ते डिगदे ने, पत्तर पुरजेण झड़ियां, जदों ओह झड़ गए टाणी नालों टुट गए, कहन लगे नै जड़ियां ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਡ ਸੰਪਤਾ ਪੇਡ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਰੁੱਖ ਸੰਪਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਉਹ ਪੁਰਨਗੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਲਣਗੇ ਉਹ ਸੜ ਜਾਣਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣ ਵਿਖਮਤਾ ਨਾਨਕ ਬਹੰਤ ਜੋਲ ਬਾਸਰੋ ਰਹਿਣੀ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਸੜ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਸੜਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੋਹਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜਾ ਜੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛਕੀਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਪੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਏ ਕਹਿ ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜਿਆਲ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਘੜਿਆਲ ਪਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤਿਰਥ ਕਰਨੇ ਆ ਘੜੀਏ ਘੜੀਏ ਮਾਰੀਏ ਪੈਰੀ ਲੈ ਸਜਾਏ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਜਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ
पहला जिनिया घड़िया लंघनिया निकी निकी ठोकर मारनी ते जदो पैर होना उदो गजल गजल का अर्थ कविता भी है ते गजल का अर्थ उदो पूरे जोर की ठोकर मारनी ते जिनिया घड़िया लंघिया होनी निके निके ला के ठोकर इको दम जोर की ठोकर मारनी ते बाबा फरीद कहते ने देख वो बंदिया आ पित्तल का घड़ियाल है ना इन्हें कुको कर्म किया ना हाथ किसी का खादा ना बुरा तकिया ना बुरा सोचा इनू हर पैर बाद घड़ी घड़ी बाद मार पैंदी है इस जड़ चीज एनिया ठोकर वजदिया ने तू नाम तो भुल के किन्ने कुकु कर्म करने तेरा की बनेगा कह लगे दर दरवाजे जाए कह क्यों दिखो घड़ियाल ओ ने दोषा मारिये हम दोषा दा क्या हाल घड़िए घड़िए मारिये पैरी लैस जाए कह लगे सो खेड़ा घड़ियाल जो दुखी रहन विखाए जे नाम नू विछद विच भुल गयो हजूर कहिंदे ने फिर खाना पीना किसे अर्थ नहीं हजूर कृपालू जी मेहर पै करदे ने ओ बंदे जन्मा जन्मा विच भटकदे ने जेड़े नाम तुहीने ने प्यारियो आओ 16 तरीक नू अमृत संचार होना है इनू केवल वक्खवादी एक मर्यादा न समझिए असि कई बार कह देने कि लो जी मंत्र ता वाहगुरु आपा जापी लेना प्यारियो जिन्नी देर तक बकायदा मर्यादा अनुसार मंत्र नहीं लेंदे ओनी देर तक जपे कोई ने फली पूत नहीं होना मैं एक अर्ज पिछली बारी भी की थी कल परसों एक थां की थी कि केड़ा बंदा जिन्हों पता नहीं सिख नूं वाहगुरु गुरु मंत्र है जप होमै कोई आप सारी कहने वाहगुरु जपो पर प्यारियो की गुरु तो बिना जपया होया वाहगुरु फली पूत होवेगा एक बार अर्ज की थी कि बोर्ड का पेगा 500 साल पुरानी इमारत है उन बनी नूं 500 साल हो गया है ते तुसी इंडिया विच देखदे हो बोर्ड का रुख ओहदे बनेरिया विचों निकलदा पिया कई बारी खूह पुराना हुंदा है ते विचों पिप्पल का पेदा निकलदा है जे ओ 500 साल पुरानी इमारत विच 500 साल पहला बीज सी ते फिर उदो क्यों ना निकलिया खूनी क्यों पैदा होया इहदा मतलब जिहड़ा साल का बोर्ड का पेदा निकलिया ते बीज भी किते साल को पहले पिया है प्यारियो ओ पत्थर विचों निकलदा पिया पेदा तुसी देखदे हो किक्कर उत्ते पिप्पल जम्मे ने टालिया उत्ते बोर जम्मी है की कारण हुण टाली उत्ते किसे ने मिट्टी पा के तां बोर दा बीज नहीं बीजिया किक्कर विच किसे ने मिट्टी पा के तने दे उत्ते पिप्पल दा बीज नहीं बीजिया पत्थरां ते जमदा है खूह विच जमदा है ओ इमारतां भी जमदा है हकीकत है वे कि सीधा बोर दा ते पिप्पल दा बीज जमीन ते डिगे कदी भी जमदा नहीं जदो उस डिगे कोई बीज नूं कोई पंछी खा जाए अपने अंदर की गरमैश नाल उस बीज नूं कमा के पत्थर उत्ते सटे ते पत्थर उत्ते भी बोड़ पैदा हो जांदा है पिप्पल उत्ते भी बोड़ पै टाली उत्ते पिप्पल पैदा हुंदा है खूह दी मन विच पिप्पल निकलदा है प्यारियो वाहगुरु गुरमंत्र है किसे नूं भुलेखा नहीं पर जिन्नी देर तक पंजां दी रसना विचों तेरे अंदर नहीं जाना खिमा करी सीधे बोर्ड दे बीज कदी नहीं जमदे जमदे ने पंछी विचों निकल के वाहगुरु गुरमंत्र फली पूत हुंदा जदो पंजां दी रसना राह तेनूं मिले उस तो पहला नहीं ओ पंज जदो अमृत दी दात दिंदे ने ओ वे दे बख्शदे ने नाम प्यारियो जिंदगी बिलकुल छोटी है सिर्फ एक सवास ही जीवन है बाकी ते आस है चेते रखियो इस तो बाद कोई नहीं एक सवास ही जिंदगी है बाकी आस हो सकता आए के ना आए सिर्फ एक सवास है दाता मेहर करे इन्हां सवासां नूं आपां सफल कर लईए आओ कुछ मिनट सिर्फ गुरु दे चरणा विच आपां जुड़ सकीए आप बख्शो असीस और उचारण करो जी वाहे